तो आइए जो है हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिएगा न्यूमेरिकल मैंने लिखा है उसको आप ध्यान से रीड करिए। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए क्या है न्यूमेरिकल, आप ध्यान से देख लीजिए। तो न्यूमेरिकल है हमारा इन द सर्किट आर वन इक्वल फोर ओम, आर टू एंड आर थ्री इक्वल फाइव ओम एंड आर फोर इक्वल टू टेन ओम एंड ई इज इक्वल कितना है 6 वोल्ट दिया है। कितना दिया है 6 वोल्ट। तो इन द गिवन सर्किट आर वन की, अब देखिए ध्यान से देख लीजिए, आर वन यहाँ पे है और इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। आर टू आर थ्री, आर टू यहाँ है और आर थ्री कहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे है, इन दोनों का 5 ओम रेजिस्टेंस है और आर फोर हमारे यहाँ पे डायगोनल में इसका कितना 6 है और यहाँ पे जो बैटरी जा रही है इससे 6 वोल्ट जो है जा रहा है, ठीक है, बैटरी से कितना 6 वोल्ट जा रहा है। वो पूछा क्या, वो देखना हम लोग को पूछा है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट इन ईच रेजिस्टर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकालना है, इक्विवेलेंट हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, दिख रहा है क्या निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और साथ में क्या करना है हमको, और करंट निकालना है। यहाँ से देखिए करंट निकालना, किस में निकालना करंट, सभी रजिस्टर वाले में, सभी रजिस्टेंस में, सभी रजिस्टर में कितना करंट ये बताना है और हम लोग को क्या करना है, तो टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने एक पार्ट लिखा, दूसरी तरफ हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन का सोल्यूशन, देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा हम लोग को इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालना, तो इसको आइडेंटिफाई करके पहचानी कि आप लोग ये वाला दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन का जो फिगर है वो दिख रहा है ना, तो दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब यहाँ से हमारा करंट चलेगा यहाँ से तो यहाँ से देखिए यहाँ से चला फिर यहाँ जाके इधर और इधर बढ़ गया, तो मतलब यहाँ पे एक बार पैरेलल हुआ फिर ये यहाँ चल के यहाँ और यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा, तो एक बार यहाँ एक बार है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाला पूरा हमारा पैरेलल है, ठीक है, किस्मत इस वाले में टोटल पैरेलल, इसलिए हम क्या करेंगे, तो हमारा आर पैरेलल इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे, वन अपान आर इक्वल टू, नीचे से लेते हैं, वन अपान आर पी, मतलब पैरेलल इक्वल टू वन अपान, यहाँ कौन कौन सा रेजिस्टेंस देख लीजिए, तो आर टू है, आर थ्री है और आर फोर है, तो आर टू आर थ्री प्लस आर फोर, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, आर टू है, आर थ्री और कौन सा है, आर फोर है, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे। तो इनकी वैल्यू हमने देखिए पहले से, आर टू की वैल्यू कितनी है देखिए, तो 5 है, कहाँ से, यहाँ से देखिए, ये आर टू आर थ्री, आर थ्री की वैल्यू भी कितनी है, 5 है और आर फोर की वैल्यू यहाँ से 10 है, देखिए ये हमारा हो गया 1/10, तो 1/RP इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते देखिए, तो देखिए एलसीएम हमारा आएगा, एलसीएम तो 10 आ गया दोनों सबका, इसका 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 एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया, तो अब हम लोग को करना क्या, यहाँ से 5 5 10 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 + 1 हो गया, तो 1/RP इक्वल कितना हो गया, ये हो जाएगा 5/10 और इसको काटेंगे अगर तो 1/2, इसका मतलब आरपी की जो वैल्यू है 2 जो है कितना हो गया, 2 ओम आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो पैरेलल वाले का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, तो 2 ओम। अब हम लोग को देखिए इसके साथ सीरीज करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो आर चाहे हम लोग डैश लिखे चाहे टोटल है, तो या आर ही लिख देते, आर इक्वल कितना हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा कितना, ये आर वन और प्लस कितना होगा आर पी, तो आर वन की वैल्यू कितनी है, तो हमारी आर वन की वैल्यू देखिए वहाँ कितनी है, 4 है और प्लस यहाँ कितना 2 हो गया, तो आर की जो वैल्यू है 6 ओम आ गई, ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। देखिए एक इसमें पूछा था, सबसे पहले क्या पूछा था कि टोटल इक्विवेलेंस क्या होगा, तो टोटल इक्विवेलेंट हमारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा, तो देखिएगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, तो दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, एकदम करेक्ट है, सही दिख रहा है, लाइट भी सही। तो चलिए देखिए
इसलिए देखना पड़ता है ना कि अच्छे से दिखे आप लोग, कोई दिक्कत ना हो। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आपकी आ गई कितनी, तो 6। अब देखिए इसमें आगे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बोला है तो हम लोग को सब में ये R1 में, R2 में, R3 और सब में क्या करना है, करंट बताना है कितना जाएगा। तो आप सबसे पहले हम लोग को करना है कि देखिए करंट दो पार्ट में है, इतना अलग है इतना, इसका मतलब है टोटल करंट पहले इसमें जाएगा जितना, ठीक है। R1 में क्या होगा, टोटल करंट पास करेगा, तो इसको इरेज करने की वजह हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे जगह है उतना करते, ऊपर भी जगह लग रहा, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है बी इक्वल टू आई इंटू आर हो जाए, यही ना। तो क्या निकालना है, बी इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई इक्वल कितना होगा, बी अपान कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट है, और आर की वैल्यू 6 हो गया, इसका मतलब टोटल करंट कितना फ्लो किया, 1 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो किया। सबसे पहले पूरे सर्किट में करंट ना कितना फ्लो कर दिया, 6 एम्पियर का करंट हमारा जो है पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो किया, तो 1 एम्पियर का पूरे सर्किट में करंट फ्लो करने लगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो ये बात आ गई, अब चलिए यहाँ देखिए हमारा क्या है, जो वोल्टेज यहाँ पे हो कितना वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वोल्टेज हमारा कितना है, तो हम लोग अगर बी की वैल्यू अगर यहाँ से देखिए, आर की वैल्यू कितनी है, तो हमें क्या करना होगा, ये हमने टोटल निकाल दिया टोटल से। अब देखिए यहाँ तक तो टोटल हो गया, ये टोटल जो है करंट हो गया, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू लेके हमने करंट का पता कर लिया कि टोटल सर्किट में कितना या बैटरी से कितना करंट जा रहा है, ये समझिए। अब क्या करेंगे, इसको बारी बारी से हम लोग इधर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, R1 वाले में कितना वोल्टेज होगा, तो V1 इक्वल टू अगर हम निकालें I इंटू R1 हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू I की वैल्यू, R1 की वैल्यू 4 है, तो V1 जो है कितना होगा, 4 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि R1 रेजिस्टेंस में, ये वाले में, R1 वाले में जो है, इस R1 वाले में कितना जो है वोल्टेज होगा, तो हमारा वोल्टेज जो होगा कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया हमारा, तो यहाँ पे आ गया 4 वोल्ट, ठीक है। और करंट कितनी जाएगी इसमें, तो करंट इसमें पूरी 1 एम्पियर की जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है जो करंट होगा R1 वाले में, जो करंट होगा वो कितना होगा, तो R1 वाले में 6 वोल्ट में करंट कितनी जाएगी, तो यहाँ I1 करंट कितना होगा, तो 1 एम्पियर का होगा, ये 1 एम्पियर करंट, ठीक है। अब क्या होगा, यहीं से करंट बढ़ जाएगा, देखिए ये फिगर है, ये फिगर करंट बटेगा, ध्यान से दिखिएगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, रेजिस्टेंस लिख रखा है ये यहाँ से लिया, ठीक है, या सोल्यूशन वाला पार्ट इरेज कर दे रहे, देखिए यहाँ से इतना इरेज कर दिया, ये यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब क्या करना हम लोग को, R1 क्यों, अब इसमें आ जाइए, इस वाले में, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ से बटेगा। अब पोटेंशियल सबसे पहले V की वैल्यू हमारी, V1 तो जा चुकी है 4 वोल्ट, किस में जा चुकी है, तो 1 वाले में जा चुकी है। अब आगे जब बढ़ेगा तो हमारा जो V निकलेगा, या V2 की बात करेंगे, 6 माइनस 4 हो जाएगा, 2 वोल्ट ही खाली बचा है जो इन सब में जाएगा, ठीक है। कितना बचा है, 2 वोल्ट बचा है जो इन सब में जाएगा, और 2 वोल्ट की वैल्यू जाएगी। तो आप देखिएगा इसमें वैल्यू, देखिए R2 और R3 की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। तो अगर हमें क्या निकालना है, करंट निकालना, तो V इक्वल टू अगर हम IR की बात करें, ठीक है, या IR2 की बात करें, तो V की वैल्यू 2 लेंगे, I की वैल्यू हमें निकालना है किसमें, इस वाले कंडीशन में, चले कह सकते हैं कि 2 की जो वैल्यू होगी, I2 की कितना हो गया, R2 और R3 की वैल्यू सेम है, तो R2 R3 वाले में I2 जाएगा, और इसकी जो वैल्यू हो गई R2 की कितनी है, तो 5 हो गई। तो I2 जो करंट है वो कितना होगा, तो 2/5 एम्पियर होगा, ठीक है, किस में, तो ये जाएगा हमारा R2 और R3 वाले में जो करंट जाएगा वो कितना आएगा, 5 जो है 2/5, इसमें जो करंट जाएगा वो जाएगा कितना, ये 5 वाला है, और इसमें करंट जो जाएगा वो जाएगा हमारा कितना, तो 2/5 एम्पियर करंट जाएगा, आया समझ में। तो इस वाले में यहाँ जो है, इसमें और इसमें, क्योंकि पैरेलल है, इसमें इसमें क्या होगा, करंट सेम जाएगा, वो कितना जाएगा, 2/3 बचा, क्या हमारा एक और वैल्यू बच गया, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल सब में सेम जाएगा, तो अब बच गया I4 की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लेते हैं V2 इक्वल टू कितना होगा, I3 इंटू R कितना है, 4 है, ठीक है, कितना है, R4 है,
तो देखिएगा ध्यान से आप, तो यहाँ पे बी टू की वैल्यू 2 है, आई थ्री की वैल्यू नहीं पता है, आर फोर की वैल्यू 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे आई थ्री निकालने के लिए 2/10 कर देंगे, इसको काटेंगे तो 1/5 एम्पियर की करंट जाएगी किसमें, तो आर फोर वाले में आई जो है आर फोर वाले में कितना जाएगा, तो आर फोर वाले में करंट जाएगा 1/5 एम्पियर, ठीक है ना। तो कोई डाउट नहीं ना, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, अगर कोई डाउट है तो बताइएगा, तो देखिए ध्यान से ये, ठीक है ना। तो आइए एक बार हम लोग और समझ लेते हैं इसको क्या है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या, फटाफट देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा सर्किट है, ठीक है ना। ये देखिए सर्किट 6 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहाँ से क्वेश्चन में ही दिया है I1 करंट है, R1 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आके पैरेलल हो गया R2 हो गया, और यहाँ फिर पैरेलल हो गया R4 R3 हो गया, और सबकी वैल्यू R1 की वैल्यू 4 ओम दिया है, R2 और R3 की वैल्यू 5 ओम दिया है, R4 की वैल्यू 10 ओम दिया है, और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये पूरा जो दिया है R2 R3 R4 ये पूरा एक साथ क्या है पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल का फार्मूला लगा के हम लोग निकाले तो 6 ओम वैल्यू आ गया, नहीं पैरेलल का निकाले 2 आया, और जब इसके साथ ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। तो हम लोग ये सबसे पहले निकालेंगे कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट से, मतलब बैटरी से कितना सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो हम लोग देखें जो है टोटल करंट कितनी है, तो 1 एम्पियर की। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देखें सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होता है, तो यहाँ से और ये पूरा मिलाएं तो पूरा सीरीज में आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू लेंगे पहले इसका निकाल लें, इसका हम लोग निकाले तो यहाँ पे क्या 4 वोल्ट की वैल्यू जो हो गई, वो देखिए 4 वोल्ट वाले में पहले इस पहले में 4 वोल्ट चला गया, और दूसरे इसमें कितना जाएगा, तो जो बचा है 2 वोल्ट वही जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ पहले की करंट तो वही आएगी जो 1 एम्पियर है, दूसरे वाले में जैसे ही लेते हैं अब यहाँ अलग अलग लेंगे, तो 2 और 3 का R2 R3 का सेम है, तो इसलिए क्या करेंगे B=IR लिखेंगे, B की वैल्यू 2 जो बचा हुआ 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट 2 बच गया था, IR की वैल्यू कितनी है 5 है, डिवाइड कर देंगे तो इतना जो है किस में जाएगा R2 R3 वाले में 2/5 ओम जो है एम्पियर करंट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, क्योंकि ये सब तीनों सब पैरेलल है, पैरेलल की वजह से क्या होगा इस वाले रेजिस्टेंस का लेंगे, तो 2 यहाँ ये 2 वोल्ट बैटरी से यही जा रहा है, 2 वोल्ट इसमें जाएगा, I3 × 10 डिवाइड करेंगे तो ये 1/5 एम्पियर इसमें जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखिए तो चलिए जो है आप लोग ऐसे करिए, ठीक है ना।